2 अक्टूबर की देर रात को एनसीबी ने बीच समंदर कोर्डेलिया क्रूज पर चल रही रेप पार्टी पर स्पेशल ऑपरेशन के तहत छापेमारी की। इस छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया, फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। एनसीबी की इस ड्रग्स पार्टी छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा समेत नूपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत ठोकर और गोमित चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया। इस हाई प्रोफाइल पार्टी में आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के 15 साल पुराने दोस्त हैं। तो आइए जानते हैं कि मुनमुन धमीचा आखिर कौन है। मुनमुन का मध्य प्रदेश के सागर से कनेक्शन है। मुनमुन धमीचा मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहने वाली हैं। उनका एक भाई है जो दिल्ली में निजी कंपनी में काम करता है। मुनमुन सागर से 8 साल पहले दिल्ली गई थी, वहीं प्राइवेट नौकरी कर रही थी। मुनमुन एक फैशन मॉडल भी हैं। फिलहाल सागर में उनके परिवार से कोई नहीं है। यादव कॉलोनी में उनका 3 मंजिला मकान खाली पड़ा है। मुनमुन की माँ की कोरोना की दूसरी लहर में मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस, MDMA की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपए मिले हैं। इस मामले में फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स पैडलर को भी पूछताछ के लिए एनसीबी ऑफिस लाया गया है। यह ड्रग्स पार्टी मुंबई के पास कोर्डेलिया द इम्प्रेस क्रूज पर चल रही थी। जिस वक्त एनसीबी ने छापा मारा उस वक्त पार्टी में 800 लोग शामिल थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन भी उस क्रूज पर मौजूद थे जहां यह रेव पार्टी चल रही थी। एनसीबी ने रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है। आर्यन की गिरफ्तारी NDPS के सेक्शन 8C, 20B और 2735 के तहत हुई है। इनमें सेक्शन 8C ड्रग्स लेने पर लगती है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी NDPS नशीली दवाओं से जुड़ा सख्त कानून है। इसकी धारा 27 के तहत अगर कोई नारकोटिक्स ड्रग्स लेता है तो यह भी दंडनीय अपराध है। पूछताछ के बाद कोर्ट में सरकारी वकील के मुताबिक आरोपियों के पास से व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिसकी जांच जारी है। इसके अलावा आरोपियों से प्रतिबंधित ड्रग्स भी मिली है, उसके सोर्स और लिंक्स खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर की देर रात को बीच समंदर कोर्डेलिया क्रूज रेव पार्टी हो रही थी। इस पार्टी की भनक एनसीबी को पहले ही लग चुकी थी और इसी के तहत एनसीबी की टीम यात्री बनकर क्रूज में सवार हो गई थी। और जानकारी के मुताबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस ऑपरेशन को लेड किया। वे अपनी टीम के साथ मुंबई में उस शिप पर सवार हो गए थे। शिप बीच समंदर में पहुंचा तो वहां ड्रग्स पार्टी शुरू हो गई। पार्टी में लोगों को ड्रग्स लेते देख टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। पकड़े गए सभी लोगों को 3 अक्टूबर को मुंबई लाया गया और फिलहाल पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 3।